क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो आई थिंक आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जान ले, इलेक्ट्रिसिटी खुद इस चीज़ को वेरीफाइड नहीं कर सकता कि वो खुद में रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड या नेचर का गिफ्ट नहीं है। ये इस बात से डिसाइड होता है कि इसको प्रोड्यूस करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल। यानी वो रिसोर्सेज डिसाइड करेंगे कि ये रिन्यूएबल होगा या नॉन रिन्यूएबल। तो ये भी समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होना चाहिए कि वाटर से भी इसे प्रोड्यूस करते हैं, विंड से भी इसे प्रोड्यूस करते हैं, कोल का भी आप यूज करते हो। क्लियर? अब हमने यहाँ पे 3 रिसोर्सेज लिए हैं, वाटर, कोल और विंड। अब आप खुद डिसाइड करें यहाँ पे कौन रिन्यूएबल है और कौन नॉन रिन्यूएबल। वाटर आपका नॉन रिन्यूएबल है? नहीं, ये है आपका रिन्यूएबल। कोल नॉन रिन्यूएबल, विंड की बात करें तो ये आपका रिन्यूएबल है। तो अगर आप वाटर और विंड को रिसोर्सेस लेते हो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए, तो इनके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल होगा। बट अगर कोल के रिस्पेक्ट में बात करोगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कोल का यूज करते हो, तो कोल के रिस्पेक्ट में फिर ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना तो रिन्यूएबल है और ना ही नॉन रिन्यूएबल है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज कौन से हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने किस रिसोर्स का यूज किया है। ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी खुद में ना तो एक रिन्यूएबल है और ना ही नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी के साथ ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो प्राइमरी कौन है? वाटर, कोल और विंड, ये सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।